कैसे हैं आप? सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट माय न्यू लैपटॉप सेटअप। यू आस्क फॉर इट एंड हियर इट इज। पहले ही आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई एंड नहीं है, ये एक बेसिक सा गेमिंग प्लस वर्क सेटअप है। एंड आई वेंट फॉर दिस सेटअप, इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो मुझे प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखनी थी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम फ़ोन पर ही होता है। सो दिस वॉज अ स्वीट स्पॉट जहाँ पर मेरा सारा काम भी हो जाए एंड बजट में भी आ जाए। बजट इसलिए क्योंकि लैपटॉप लिया है, प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखना है, तो ऑब्वियसली मैं फ़ोन की फुटेज तो इस पर एडिट नहीं करूँगा। सो कैमरा भी लेना था, एंड कैमरा की बात निकली ही है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कौन सा कैमरा लिया है। एंड दिस इज़ सोनी ZV-1। ऑलमोस्ट 400-500 से ज़्यादा कॉमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, एंड सिर्फ एक ने ही इसे प्रॉपरली गेस किया। ऑलमोस्ट सारे कॉमेंट्स 200D Mark II एंड कैनन M50 के थे, एंड सीरियसली मैं कैनन का M50 ही लेने वाला था, बट देन आई डिसाइडेड टू बाई दिस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी एफर्टलेस कैमरा, बस निकालो एंड शूट करो। अब बातें तो हो गई, नाउ लेट्स सी माई सेटअप। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली माई लैपटॉप। लैपटॉप मैंने लिया था असूस का टफ गेमिंग। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूँ तो इसमें है इंटेल का i5 9300H प्रोसेसर, एनवीडिया का GTX 1650, 4GB ग्राफिक्स कार्ड, 512GB का PCIe SSD, एंड ये वेरियंट आता है 8GB रैम के साथ। एंड आई फील 8GB रैम थोड़ा सा कम है गेमिंग के लिए, तो मैंने इसमें एडिशनल 8GB रैम की स्टिक लगाई है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि 8GB रैम इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट इसका सिस्टम ही अराउंड 4GB रैम ले लेता है, तो ऑब्वियसली गेम के लिए ज़्यादा लगेगा। ओवरऑल अ डिसेंट लैपटॉप, यू आर गेटिंग वॉट यू आर पेइंग फॉर, एंड इस पर काम से ज़्यादा तो आजकल गेमिंग ही होता है। नेक्स्ट इज़ माई कूलिंग पैड, एंड कूलिंग पैड मैंने टैग गेमर्स का लिया था विथ 4 फैंस एंड LED light। आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये चीज़ काम करती भी है नहीं, एंड अगर करती भी होगी तो 4-5 degrees से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बट स्टिल इट लुक्स कूल एंड इससे सेटअप भी थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस भी लगाया है। कीबोर्ड बहुत ही बेसिक सा वायर्ड है यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स का, एंड माउस इज़ लॉजिटेक का M171। माउस काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, नो कम्प्लेंट्स, बट कीबोर्ड इज़ रियली मीडियोकर। जल्दी ही आई थिंक मैं एक वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड ले लूँगा। मैं लैपटॉप थोड़ा सा दूर रख के यूज़ करता हूँ, तो माउस एंड कीबोर्ड इज़ रियली हैंडी अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं। फोर्थ इज़ स्पीकर। ऑब्वियसली लैपटॉप के स्पीकर्स इतने लाउड नहीं होते, तो बेटर है कि हम एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ करें, एंड ये मैंने अभी नहीं ख़रीदा है, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, एंड ये फोर्ट्रॉन का है। जितना इसका साइज़ है उससे काफ़ी ये लाउड बजता है। प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड, एंड इसे ब्लूटूथ या वायर दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन माई टेबल इज़ अ फेक प्लांट एंड स्पाइडरमैन का बॉबल हेड। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए, बट सही लगता है सेटअप में, काफ़ी सही लगता है। सिक्स्थ इज़ टेबल लैम्प, एंड टेबल लैम्प यहाँ पर मेरे पास विप्रो का गार्नेट है। ज़्यादातर मैं इसे यूज़ करता हूँ एज माई सेकेंडरी लाइट फॉर माई वीडियोज़, एंड इट इज़ टच कंट्रोल, तो आप टैप करके थोड़ी बहुत लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल अ वेरी ड्यूरेबल प्रोडक्ट। कलर जो है वो थोड़ा सा डिम है, यहाँ पर जो भी कलर्स इसमें आते हैं वो थोड़े डिम है, बट वाइट इज़ रियली ब्राइट। नेक्स्ट इज़ माई ऑस्मो एक्शन। ऑस्मो एक्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये एक एक्शन कैमरा है, एंड ये मैंने लिया था शॉर्ट्स में थोड़ी वेराइटी लाने के लिए। ये मैंने अभी नहीं ख़रीदा है, इसीलिए थोड़ा टाइम हो गया है, एंड जब मैंने इसे लिया था तो इसका प्राइस काफ़ी कम था। ओवरऑल अ नाइस इन्वेस्टमेंट, वाटरप्रूफ है, ड्यूरेबल है, बट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, एंड डेफिनेटली आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर यूज़ करेंगे। इवन यर आई एम हैविंग अ पावर बैंक, एंड पावर बैंक है अर्बन कंपनी का 20,000 mAh। ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था पहले अपने हेडफोन्स को चार्ज करने के लिए, स्पीकर्स के लिए, इवन फॉर माई टेबल लैम्प, एंड एक दिन मुझसे ये गिर गया, एंड उसके बाद से ये अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी अचानक से फुल चार्ज हो जाएगा, कभी बैटरी एकदम से ख़त्म हो जाएगी, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इन शॉर्ट इसका काम 25 हो गया है। लास्ट इज़ माई गेम पैड, एंड गेम पैड मैंने ऐसे ही रैंडमली ऑनलाइन से ले लिया था, एंड दिस इज़ सैमियो का वायर्ड कंट्रोलर। गेमिंग अगर नेक्स्ट लेवल करनी है तो मुझे लगता है कंट्रोलर काफ़ी सही होता है, एंड मैं PC पे अभी अभी गेमिंग करने लगा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे PC पे गेम खेलते हुए, आई थिंक पहली बार ही मैं इस पर खेल रहा हूँ, एंड ज़्यादातर मेरे गेम्स मैं कंसोल पे ही खेलता था, तो मुझे कंट्रोलर की आदत है, कीबोर्ड मुझे इतना नहीं जमता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड दिस वॉज माई बेसिक सा सेटअप। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको ऐसे और टॉपिक या वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।